टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्राइट टीवी और मैं हूं आपके साथ सिया। कल यानी 23 दिसंबर को मेरठ के सेंट मैरी एकेडमी में रजत जयंती बैच के छात्रों की यादें ताजा करने के लिए कार्यक्रम होने जा रहा है। ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता था लेकिन कोरोना के चलते पिछले 3 सालों से नहीं हो पाया है। 3 साल बाद फिर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में पुरातन छात्रों की संस्था एक्समा द्वारा सभी उपस्थित 1997 रजत जयंती बैच के छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली के मशहूर रूक बैंड को भी आमंत्रित किया गया है। इस दौरान स्कूल में पढ़कर गए बच्चों व उनके अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम के अध्यक्ष अनुद्दीन शाह ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी रजत जयंती बैच के छात्रों की यादों को ताजा करने के लिए ये कार्यक्रम कल 23 दिसंबर शाम 4:30 बजे से रात 9:30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अध्यक्ष अनुद्दीन शाह ने हमारी पत्रकार नीलोफर अंसारी को क्या जानकारी दी। सर, कल जो रजत जयंती बैच का सम्मान समारोह आपके सेंट मैरी एकेडमी में होने जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? जी, ये प्रोग्राम यादें के नाम से हम हर साल करते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से कोविड की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था और इस बार जो रजत जयंती बैच है 1997 का, वो सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तमाम देश के शहरों से और विदेश से भी पुराने छात्र जो हैं 97 बैच के, वो लोग आ रहे हैं और उनको जो हमारी संस्था है एक्स मेरिन एसोसिएशन, हम उनको सम्मानित करेंगे। और जो वो रजत जयंती बैच के बच्चे हैं वो अपने जो उनके पुराने टीचर्स हैं जिन्होंने उन्हें पढ़ाया है, वो बैच उनको सम्मानित करेगा। सर, लगभग कितने बच्चे आ रहे हैं? तकरीबन 97 बैच के 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इंडिया से और ऑल ओवर द वर्ल्ड से भी आ रहे हैं। प्रोग्राम में किस तरह का प्रोग्राम होगा, थोड़ा सा बताएंगे? हम लोगों ने सबका इन्वॉल्वमेंट रखा है इस प्रोग्राम में, तमाम स्कूल के स्टूडेंट्स का, उनके पेरेंट्स का, और ख़ास तौर से एक बैंड का आयोजन, बैंड बुलाया गया है दिल्ली से, वो एंटरटेनमेंट करेगा और ये फूड स्टॉल्स लगाई हैं और गेम्स लगाएं ताकि बच्चे भी इन्वॉल्व रहें और सब लोग इन्वॉल्व। किस किस तरह के गेम्स हैं, थोड़ा सा बताएं? सब तरह के बच्चों के गेम्स होते हैं, जैसे झूले भी हैं और जो गेम्स होते हैं ये सब, जैसे आमतौर से स्कूल में। अच्छा, किस एज के बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर? सब तमाम स्कूल के, जो फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक विद पेरेंट्स सब लोग आ रहे हैं। और चीफ गेस्ट कौन रहेगा? चीफ गेस्ट इसमें कोई नहीं रखा, हमारे जो प्रिंसिपल हैं सेंट मेरीज एकेडमी के, रेवरेंड ब्रदर एडवर्ड सेबेस्टियन, वो हमारी संस्था के पेट्रन हैं, वही चीफ गेस्ट रहेंगे हमारे। और सर, आपका क्या रोल है इसमें? मैं एक्समा का प्रेसिडेंट हूँ, ये पास्ट प्रेसिडेंट हैं, विपुल सिंगल जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये सचिव हैं अजय भाई हमारे, हम सब लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, हम लोग ब्रिज हैं बिटवीन द स्कूल और जो पास पीपल हैं, उनको हम समन्वय बनाते हैं स्कूल के बीच में, पुराने स्टूडेंट्स के बीच में, और यही जो हमारी संस्था है एक्स मेरिन एसोसिएशन, ये सब इस प्रोग्राम को ओवरलुक कर रही है, हमारे ही तत्वाधान में ये प्रोग्राम। अच्छा, जैसे कि 3 साल बाद होने जा रहा है तो कुछ डिफरेंस होगा इस बार इसमें या नहीं? नहीं, थोड़ा थोड़ा कदम, क्योंकि आपने देखा होगा अभी कल से या परसों से कोविड फिर दस्तक दे रहा है, तो हम वो सारे प्रिकॉशंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं और थोड़ा सा हम एप्रिहेंसिव हैं क्योंकि 3 साल के बाद हो रहा है, तो अभी हम थोड़ा फुल पेड नहीं कर रहे, होपफुली नेक्स्ट ईयर जब होगा तो और भव्य होगा इससे कार्यक्रम, लेकिन कमी कोई भी महसूस नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा जितने लोग आएंगे उन्हें कि ये 3 साल के बाद हो रहा है, ऐसा लगेगा हर साल होता है प्रोग्राम। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।